मंच तो बनाना ही है, मंच के ऊपर हमारे आदिवासियों के महानायक और पूरे विश्व के एक जाबाज सिपाही और भारत के रॉबिन हुड टंटिया भील का मंच है। इस मंच के मार्फत से और पूरे भील प्रदेश के मार्फत से मैं आप सभी को हुल जोहार जय आदिवासी कहता हूं। साथियों, ये जो कार्यक्रम 3 दिन से चल रहा है और इस 3 दिन के कार्यक्रम में हम लोगों ने बहुत सीखा, साथ साथ में जो हमारे आदिवासियों के महानायक टंटिया भील की मूर्ति स्थापना का जो कार्यक्रम अलीराजपुर जिले में भाई नितेश जी पटवारी और उनकी टीम ने जो जिस प्रकार का जज्बा दिखाया, उसको हम लोग राजस्थान की धरती अर्थात भील प्रदेश की धरती से आप सभी को धन्यवाद देना चाहते। साथियों, आज से कुछ साल पूर्व, इवन याद मान लीजिए आप लोग 2012 से पहले, जितने भी जिले हैं, जितने भी देश के आदिवासी इलाके हैं, उस आदिवासी इलाकों में एक भी आदिवासी का पुतला नहीं था, एक भी आदिवासी नाम का चौराहा नहीं था। लेकिन 2012 के बाद में पूरे देश में एक प्रकार का भूचाल आया और जगह जगह गांव गांव फलिए फलिए और इवन यहां तक बाजार के अंदर आदिवासी पुरखों के पुतले, आदिवासी पुरखों के स्टेचू आप लोगों ने लगाए और पूरे देश के 15 करोड़ आदिवासियों ने लगाए। यह आदिवासी परिवार, आदिवासी परिवार जैस और जितने भी आदिवासी सामाजिक संगठन है, उन सब की जीत है। हमारे जो पुरखे हुए हैं, उनकी जो मनसा थी, उनकी जो इच्छा थी, वो इच्छा कहीं न कहीं दबी कुचली थी और हम लोग पढ़ लिख कर संविधान के मार्फत से, लोकतांत्रिक के मार्फत से हम लोगों ने ये हमारे जो महापुरुषों के जो स्टेचू लगाए हैं, तो अन्य समाज के पेट में मरोड़ पड़ रही है। वो चाहती है कि आदिवासियों के स्टेचू नहीं लगने चाहिए, वो जिस प्रकार से हमारे पुरखों के पूजा करते आए थे, हमारे पुरखों की आराधना करते आए थे, हमारे पुरखों की गाथा गाते आए थे, ठीक उसी प्रकार से आने वाले आदिवासी भी गैर आदिवासी के महापुरुषों के पुतले की पूजा की थे। ये उन लोगों की मंशा थी। लेकिन यहाँ पे जय संगठन और आदिवासी परिवार और जितना भी हमारा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र का इलाका है, उस इलाके के अंदर तमाम संगठनों ने एक प्रकार का कारनामा कर दिखाया, जो हमारे महापुरुषों ने सपना पहले से देखा था, हम लोग देखते आए हैं। अभी हमारे मंच संचालन ने, मैं सिर्फ 10 मिनट ही बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। राजस्थान से आया हूं और कोई राजस्थान अलीराजपुर ये कोई अलग स्थान नहीं है। जितने आदिवासी अलीराजपुर में है, उससे ज्यादा आदिवासी डूंगरपुर में है और उससे भी ज्यादा आदिवासी पूरे भील प्रदेश में है। इसलिए हम लोग सिर्फ मात्र टंटिया भील का मूर्ति लगाकर और हम लोग खुश हो जाएंगे, ताली बजा लेंगे, लेकिन टंटिया भील की जीवन की जो गाथा है, जीवन का जो इतिहास है, वो इतिहास पूरी तरीके से किताबों में छापा नहीं गया। छापा गया तो किसी आदिवासी ने नहीं छापा, किसी अन्य ने छापा। तो जो मूल जानकारी है, वो जानकारी अभी तक हमारे पास पहुंची नहीं है। मैं एक कुछ समय पहले टंटिया भील का एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब के अंदर मैंने पढ़ा कि टंटिया भील के जो माता पिता थे, वो एक किसी सेठ साहूकार के वहां मजदूरी करके उसमें जमीन में आधा हिस्सेदारी करके अपना जीवन गुजारा करते थे। धीरे धीरे टंटिया भील बड़े हुए और उनके पिता ने कहा कि भाई, मैं आपका हल चला के थक गया हूं, मैं मेरी जमीन पे खेती करना चाहता हूं। तो जो आदमी था, जो उनके माता पिता को फ्री पॉकेट में मेहनत करवाना चाह रहा था, उसने कहा थोड़े समय के लिए रुक जाओ। फिर धीरे धीरे टंटिया भील जवान हुए और उनके पिताजी को न जाने किस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया और टंटिया भील ने उस सेठ साहूकार का हल चलाना चालू किया और बाद में टंटिया भील अलग होकर अपना स्वयं का खेती करना चाहते थे, लेकिन उस सेठ ने टंटिया भील को झूठे मुकदमे में फंसाया, फिर दूसरे में फंसाया, तीसरे में फंसाया और टंटिया भील ने सोचा कि पूरे आदिवासी इलाके में मेरे आदिवासियों के साथ में शोषण अत्याचार हो रहा है, इसलिए कहीं न कहीं मुझे इसकी आवाज बुलंद करनी होगी। और टंटिया भील ने उस सेठ के सामने
अपना जज्बा दिखाते हुए उससे अलग हो गए और अपनी टुकड़ी बना के पूरे आदिवासी पट्टी में आदिवासियों के साथ साथ में जो हमारे साथ में रहते आए दलित समुदाय था, अन्य समुदाय था, उनकी आजादी की लड़ाई टंटिया भील ने लड़ी। और आज क्या हम टंटिया भील के नक्शो कदम पर चल रहे? टंटिया मामा टंटिया भील की जय। शाम होते ही आधा पी लिया भूल गए, ऐसे टंटिया भील आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे हमारा समुदाय आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए हमको उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। साथियों, जहां तक हमने पढ़ा है टंटिया भील का जो इतिहास है, उस इतिहास में अंग्रेजों जो यहाँ का सामंतवादी लोग थे, उन्होंने टंटिया भील को फंसाने के लिए बहुत सारे इनाम रखे थे। पहले में 100 रुपये रखा, टंटिया भील नहीं माने, 500 रखा नहीं माने, 1000 रखा नहीं माने, और अंतिम तक मैंने जो पढ़ा है 1500 रुपये टंटिया भील को पकड़ने वाले को इनाम दिया जाएगा, ऐसा रखा था। और उस जमाने के 1500 रुपये 15 करोड़ के बराबर थे, फिर भी हमारे आदिवासियों ने टंटिया भील को पकड़वाने का काम नहीं किया। लेकिन हो सकता है एक दो आदमी आज भी हमारे समाज में विभीषण बने हुए हैं, उस जमाने में भी टंटिया भील को पकड़वाने का काम किसी अन्य समाज ने नहीं किया, खुद हमारे समाज में से दो गद्दार लोगों ने किया था। ऐसे गद्दारों की पहचान आज की तारीख में हमको करनी होगी ताकि हमारा समाज आगे बढ़ पाए। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? ठीक उसी प्रकार से बिरसा मुंडा का भी यही इतिहास है। मैं थोड़ा सा वापिस आके मध्य प्रदेश के जो आजकल जो घटनाक्रम हो रहा है उस घटनाक्रम पे दो बातें रखना चाह रहा हूँ। संचालक महोदय, मुझे थोड़ा सा माफ करना क्योंकि हमारे आदिवासियों के साथ में ऐसा हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा रतलाम के अंदर 1800 हेक्टेयर जमीन जो आदिवासियों की है, जो हजारों साल से आदिवासी जिसपे अपनी खेती, अपना कुआ है, अपनी बावड़िया है, अपने जनावर है, खेत खलियान है, उसके ऊपर हजारों साल से हमारे पूर्वज खेती करते आए हैं। लेकिन आज की तारीख में आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने उस 1800 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करने के लिए एक प्रकार का न जाने कौन सा उद्योग खोलना चाह रहे, हमको नहीं पता। और वो लोग, हमने गए साल भी आपके इधर से भी बहुत सारे साथी आए थे मध्य प्रदेश के, आपके मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के, रतलाम में बहुत बड़ा सभा हुआ था और हमने विरोध किया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 15 नवंबर बिरसा मुंडा जन्म जयंती के ऊपर वहां के आदिवासियों ने पैसा इकट्ठा किया था और पैसा इकट्ठा करके बिरसा मुंडा के स्टेचू लगा रहे थे। लेकिन उसी समय में एक विशेष पार्टी के लोग भी एक यात्रा निकाल रहे थे और वहां के आदिवासियों ने उनका विरोध नहीं किया था, और किया भी हो हमको नहीं पता। लेकिन उन लोगों को आज की तारीख में एमपी सरकार ने उनको जेल में डाल रखा है। जो आदिवासियों की आवाज उठाना चाहता है उसको सरकारें, चाहे एमपी की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, सारे देश की सरकार आदिवासियों के ऊपर गंदी नजर से देख रही है आज की तारीख में। लेकिन हम लोग देखते आए हैं, अभी हमारे संचालक महोदय ने मना किया है, लेकिन मैं अपनी बात यहाँ कहकर जाना चाहूंगा क्योंकि वहां से आए हैं, सत्य बात सबको कड़वी लगती है। आज हम लोग देखते आए हैं, जब हम लोग जय आदिवासी जय जोहार बोलते थे अब हमारा विरोध होता था कि नहीं होता था? आज हम लोग देख रहे हैं आपका देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आदिवासी इलाके में आकर सबको बोलता है जय जोहार, जय जोहार। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं देश की दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिनके मुखिया राहुल गांधी है, वो आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उस भारत जोड़ो यात्रा में जहां जहां आदिवासी इलाके में जाते हैं वो बोल रहे हैं कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, ऑनर ऑफ इंडिया है। जब हम लोग बोलते थे वो लोग हमको कहते थे ये गलत बोल रहे हैं, आज उनको मजबूरन बोलना पड़ा, ये ताकत जयेश की है, ये ताकत आदिवासी परिवार की है, ये ताकत बिल प्रदेश की है, ये हमको आज हमने विभिन्न सरकार को बता दिया। साथ साथ में हम लोग जोहार का विरोध, बहुत सारे लोग बोलते थे जयेश के लिए बोलते थे ये जोहार वाले, ये जय यीशु वाले, ऐसा बोलते थे। बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? जय यीशु वाले ये सब बोल रहे थे। लेकिन जब देश के सबसे बड़े पद पे प्रताप बैठने वाली हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब शपथ लिया तब कहा नमस्कार जोहार, तो उनकी टाई फीस हुई कि नहीं हुई?
ये बहुत सारी बातें उस समय में उनको कड़वी लगती थी, लेकिन उनको समझ में आ गया कि आदिवासियों के लिए दो तीन शब्द है जो आदिवासियों को एक मुट्ठी में बांध सकता है, वो क्या है? जोहा। दूसरा क्या है? जय आदिवासी। तीसरा, हमारे इलाके में आप लोग थोड़े से इस चीज को समझ नहीं पाए हैं, हमारे इलाके में एक मजबूत शब्द है, जय भील प्रदेश। ये इतने सारे शब्द हैं। तो आज कहीं ना कहीं सरकारों को, राजनीतिक पार्टियों को बोलना पड़ रहा है अपने मन से। और साथियों, हमारे पूर्व साथी ने कहा तो कोई हमारा ये है, वो है, ये है, ईसाइयों का ये है, हिंदुओं का ये है, मुस्लिमों का ये है, वो अपनी पाठ पूजा करते हैं, एक दिन एक स्थान पर बैठते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी आधे इधर जा रहे हैं, आधे उधर जा रहे हैं, आधे इधर जा रहे हैं, आधे इधर जा रहे हैं, और कहते हैं कि आओ जाजम पे। तो हम लोग देखते आए थे, कौन सी 1975 में एक फिल्म आई थी अंग्रेजों के जमानों के जेलर की, असरानी वाली, आगे इधर जाओ, आगे इधर जाओ, आगे उधर जाओ, पीछे मुड़कर देखा एक भी सिपाही नहीं था। ऐसा हमारे आदिवासी समुदाय में नहीं होना चाहिए। आगे उधर गए हैं पकड़ के लाने हैं, आगे उधर गए हैं पकड़ के लाने हैं, सारों को एक जजम पे बिठाना है। आने वाले समय में हमें हमारे 5वीं अनुसूची के लिए, हमारे पुरखों के लिए, हमारे विशेषाधिकार के लिए लड़ाई लड़नी है। और जो रतलाम के भाई जिन्होंने सरकार ने पकड़ रखा है, उसके लिए भी आपको जगह जगह एसडीएम कार्यालय पे ज्ञापन देने होंगे। और साथियों, मैं कहना चाह रहा हूं, 10 मिनट का समय शायद पूरा होने आ गया है, मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, आज से 2012 में किसी चौराहे पे कोई स्टैचू नहीं था। मैं डबल रिपीट कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, कोई स्टैचू नहीं था। आज की तारीख में जितनी भी जेएस की सभा हुई, जितने भी आदिवासी परिवार के चिंतन शिविर हुए, उन चिंतन शिविर में हमने आह्वान किया था कि गांव गांव फलिए फलिए, बाजार हो या मार्केट हो, वहां पे आदिवासी पुरखों के नाम का पत्रा आपको ठोकना है। आप लोग यहां से डूंगरपुर आ जाओ, उदयपुर चले जाओ, उदयपुर से लास्ट झारखंड चले जाओ, जो भी आदिवासी गांव है, उस गांव के हर तिराए चौराहे पे बिरसा मुंडा चोराया, टंटिया भील चोराया, ये चोराया, ये चोराया, ये अचानक चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार नहीं हुआ, हमारे पुरखों की आवाज हमारे शरीर में दबी हुई थी, वो निकल के आपके बीच में आ गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं और भी और बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से टंटिया भील का आपने यहाँ स्टैचू लगाया है, तो आने वाले समय में आप लोग ये देख लीजिए, ये अलीराजपुर जिल्ला है, वो अलीराजपुर चिट्ठी पूरी हो गई, अलीराजपुर जिला किसी और का नहीं है, अलीराजपुर जिले में आलिया भील का स्टैचू होना चाहिए, यह आप लोगों को करना होगा। जाबुआ के अंदर जम्बू भील का स्टैचू होना चाहिए, यह आपको करना होगा। चिट्ठी हो, समय पूरा हो गया, हम इतनी दूर से आए थे, आपने मंच दिया, इसलिए मैं यहाँ जो मूर्ति स्थापना वाले जो आयोजन टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आने वाले समय में बहुत बड़े कार्यक्रम होंगे, वहां हमको ज्यादा समय मिलेगा तो और ज्यादा बात बताएंगे। आप सभी ने मेरी बात को सुना, इसी आशा विश्वास के साथ में धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भी।